हेलो दोस्तों, आज हमारे पास सीमेंस का ये एक मोटर है जो 175 HP का है, जो जिसके कुछ कॉइल जल गए थे। आई थिंक चार कॉइल जले हुए थे, जिसे हमें रिपेयरिंग करना एक चैलेंज ही लग रहा था। फिर मैंने पेपर वेपर सेट किया, उसके बाद कॉइल को वापस से हटाना चालू किया। पुराने कॉइल को हमने वैसे ही सेट कर दिया, लेकिन जो चार कॉइल पूरी तरीके से जल चुकी थी उन्हें हमने वापस से रिवाइंड किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये न्यू कॉइल है हमारा, इसे हमने फिर से रिवाइंड किया। इस तरह से हमने चार कॉइल को इसमें रिवाइंड किया, बाकी बात सब ओल्ड कॉइल को ही फिट किया था। इसके बाद धीरे धीरे करके, टाइम लगा बट धीरे धीरे करके वो ही किया। देख सकते हैं आप कितना स्मूथ दिख रहा, नया तो नहीं बट ठीक ही है। ऐसे आप देख सकते हैं धीरे 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 करके, टाइम टेकिंग प्रोसेस है रिपेयरिंग, बट इम्पॉसिबल नहीं है। इतने बुरे तरीके से जले हुए मोटर भी रिपेयर हो सकता है, जिसमें हमने लगभग 50% के लमसम में रिपेयर किया होगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने एक कॉइल उठाया, दो कॉइल उठाया, तीन कॉइल उठाया, चार कॉइल उठाया, फिर ये हमारा चौथा जो न्यू कॉइल है। तीन हमने ऑलरेडी उठा चुके थे, ये चौथा कॉइल था, ये भी हमने उठा दिया। अब बाकी बात सब इसमें पुराने वाले ही कॉइल है। सबको हमने धीरे धीरे करके देखिए आप कैसे सेट करते हैं। साइड से हम मिनीलक्स यूज़ करते हैं ताकि स्क्रैचेस ना हो, इंसुलेशन ख़राब ना हो। अब इसमें लमसम में हो ही चुका है, एक या दो कॉइल रह गए हैं, आई थिंक तीन चार कॉइल रह गए हैं, हाँ चार हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये भी हो ही जाता है। टाइम लगा इसमें, ऑलमोस्ट 2 दिन लग ही गए थे। It's 7:50 AM. उसके बाद भी हमारा कॉइल, हमारा मोटर पूरी तरीके से फिट हो चुका है। इसकी कनेक्शन साइड देख सकते हैं कितनी, मतलब अजीब है। और पैरेलल कनेक्शन वैसे तो डेटा चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। ये रही हमारी कॉइल कंप्लीट हो गई, पूरी मोटर सिंगल कॉइल रहती थी वो भी हमने ख़त्म कर दी। फुल कॉइल होने के बाद हमने फिर इसकी पेपर कटिंग की, टेपिंग वगैरह की, वेट हुई, वार्निश हुई, बट इस कारण से मैंने इसकी टेपिंग की वीडियो नहीं बना सका, हीट वार्निश की वीडियो नहीं बना सका। लेकिन सब कुछ कंप्लीट ओके होने के बाद हमारा मोटर रेडी होता है। फिर हम इसके टेपिंग वेपिंग करने के बाद से, हीट लगाने के बाद से मेगर टेस्ट करते हैं। मेगर से जब ये पास होता है तो फिर हम इसमें रोटर को डालते हैं, रोटर की फिर हम ग्रेसिंग करते हैं। बैरिंग भी हमारी एयर की है, एक्सप्लोरर 6319 है, इसमें हमने बैरिंग में ग्रेसिंग की। यह आप बैरिंग का कंडीशन देख सकते हैं, ठीक ही है अभी तो, हमने इसे चेंज नहीं किया। उसके बाद फिर ग्रेसिंग हो चुकी है, फिर हमने कुछ एक्स्ट्रा ग्रेस डाल दिया ताकि जब ये रोटेट हो तो हीट की वजह से ये उसके टर्न।